हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये जो है NRV है। तो NRV के बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि NRV क्या होता है और ये कहाँ पे यूज होता है और इसका यूज करने का फ़ायदा क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि NRV का फुल फॉर्म क्या होता है। NRV का फुल फॉर्म होता है नॉन रिटर्निंग वाल। तो NRV को चेक वाल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है इसको चेक वाल के नाम से जाना जाता है। और ये जो होता है ये क्या होता है, वन डायरेक्शनल क्या होता है, फ्लो को प्रोवाइड करता है। यानी एक ही डायरेक्शन में ये फ्लो को भेजता है। ये जो है गैस में, लिक्विड में या वाटर में किसी में भी यूज होगा, तो जिधर से जो फ्लो होगा उधर से जिधर से जाएगा उधर से वो रिटर्न नहीं आएगा। इसका नाम से ही पता चलता है नॉन रिटर्निंग वाल। यानी इसमें क्या होता है कि फ्लो अगर जिस लाइन से जाता है उस लाइन से जो फ्लो होता है वो कभी रिटर्न नहीं आता है। एक ही डायरेक्शन में ये क्या करता है, फ्लो को भेजता है। आप लोग देख सकते हैं, इसको पहचानने के लिए आप लोग देख सकते हैं इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है। जैसे वाल वगैरह रहता है तो उसको ओपन क्लोज करने के लिए क्या होता है, हैंडल वगैरह रहता है या कुछ रहेगा, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। आप लोग देख सकते हैं ये जो है इसमें कुछ भी नहीं है और ये जो है बाहर से सीधा एक कनेक्टर की तरह दिख रहा है। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है लगा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या होता है कि आप लोग इसको कैसे पहचान सकते हैं। यहाँ पे एक जो है NRV लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं ये जो है एरो का निशान बना है, यानी वाटर जो है इधर से आ रहा है और इधर जा रहा है। तो इसमें यही होता है कि इसको हम लोग देख के पहचान सकते हैं। इस पर एरो जरूर रहेगा। NRV आप कहीं भी जाएंगे तो जो मिलेगा आपको उस पर एरो रहेगा, यानी इधर से फ्लो जा रहा है और इधर से जब है फ्लो इधर जाएगा ये रिटर्न नहीं आएगा, इसी साइड में फ्लो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कहीं भी यहाँ पे मूविंग पार्ट नहीं है और ये मेन लाइन से आप लोग देख सकते हैं लगा हुआ है फायर वाटर सिस्टम में। हम लोग देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक डिस्क लगा हुआ है। तो ये जो है आप लोग यहाँ पे देखें, ये जो है एरो इस साइड जा रहा है। तो जब पानी का सप्लाई इधर से आएगा, यानी हम लोग ये जो है एरो इधर जा रहा है तो इनपुट जो होगा पानी का सप्लाई इधर से होगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये जो है इनपुट लाइन है और ये जो है आउटपुट है, यानी पानी इधर से आ रहा है और इधर से लगा हुआ है। तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं वैसे यहाँ पे भी एक है। तो ये जो है कैसे काम करेगा, यहाँ पे पानी जो है मान लीजिए जब प्रेशर आएगा तो ये ओपन होगा। अगर उस साइड प्रेशर जो होगा इस साइड से ज़्यादा होगा, ये डिस्क से पहले अगर मान लीजिए 180 PSI है और उधर जो है 70 है तभी ये ओपन होगा। अगर इधर 70 है और उधर 80 है, उस साइड अगर 80 है तो ये ओपन नहीं होगा। तो यानी इधर का प्रेशर जो होगा ज़्यादा होगा उस साइड से तो ये ओपन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहीं इसमें क्या होता है, ये प्रेशर पे डिपेंड करता है। जैसे प्रेशर इस साइड का ज़्यादा होगा उस साइड से तो ये ओपन हो जाएगा, जैसे प्रेशर कम होगा तो ये क्लोज हो जाएगा। जितना पानी इधर से जाएगा ये फ्लूड हो गया, लिक्विड हो गया या गैस वगैरह सबके लिए यूज किया जाता है। तो जब इसमें क्या होगा कि पानी जितना या लिक्विड जो भी है इधर से चला जाएगा वो रिटर्न वापस नहीं आएगा। जैसे इधर का मान लीजिए कि इधर से फ्लो जा रहा है, प्रेशर जा रहा है तो ये ओपन हो रहा है। अब जैसे प्रेशर इधर का कम होगा तो ये क्लोज हो जाएगा, तो उधर का पानी वापस नहीं होगा। तो यही ये काम है इसका। और इसमें कुछ भी नहीं है, एक ये डिस्क लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग देखेंगे इस साइड, आप लोग देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, वहीं एक डिस्क है, आप लोग देख सकते हैं ये जो है डिस्क है और कुछ नहीं है। तो इसमें बहुत सा सिंपल इसका कंस्ट्रक्शन होता है। तो ये जो है यूज किया जाता है वन डायरेक्शनल फ्लो के लिए, जब जहाँ पे हाइट वगैरह पे पानी को भेजना रहता है, कोई भी लाइन को या फ्लूड को हाइट पे भेजना रहता है या जो पंप वगैरह लगा रहता है उसमें प्रोटेक्शन वगैरह के लिए यूज किया जाता है और उस लाइन का जो भी लिक्विड है, वाटर है या जो भी है वो वापस ना आए, रिटर्न ना आए, उसके लिए यूज किया जाता है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये जो इनलेट लाइन है तो यहाँ से पानी आ रहा है, तो ये प्रेशर आप लोग देख सकते हैं इधर फ्लो हो रहा है। तो इसमें क्या होगा कि ये इधर का जो प्रेशर है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा तभी ये ओपन होगा। अगर इधर का प्रेशर कम हो जाता है तो अभी इधर का आप लोग देख सकते हैं ये हाइट पे लिया हुआ है, तो इसका पानी जो है इधर वापस नहीं आएगा। तो ये मेन लाइन में इसलिए लगाया हुआ है ये फायर वाटर सिस्टम का कि जब इधर से फ्लो जाएगा तो क्या होगा, इधर जाएगा। अगर किसी कारण से इस लाइन का ये जो है प्लांट से आया हुआ तो इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो इधर का पानी अगर कम हो जाता है प्रेशर तभी क्या होगा, ये इधर का जो लाइन का जो प्रेशर है ये पूरा फुल रहेगा। जैसे यहाँ पे एक आप लोग देख सकते हैं NRV लगा हुआ है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो हाइट के लिए लगा हुआ है, ये जो है अलार्म चेक वाल है, ये भी क्या है चेक वाल है, लेकिन उस ये जो है थोड़ा उससे अलग है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ड्रेन का लाइन इसमें लगाया हुआ है, ये भी है, आप लोग देख सकते हैं ये चेक वाल का ही है, सेम वैसे ही है। और यहाँ पर ये है प्रेशर का है, आप लोग देख सकते हैं ये प्रेशर का ये जो है फायर वाटर सिस्टम में लगा हुआ है। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये जो है चेक वाल के नीचे है, ये है चेक वाल, ये जो है चेक वाल है, यानी ये NRV है। और यहाँ से नीचे आप लोग देख सकते हैं इससे पहले का ये जो प्रेशर है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
ये जो है लगभग 70 PSI है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चेक वाल का बाद का है ये, और इसका प्रेशर कितना है आप लोग देख सकते हैं 105 PSI है। यानी इस लाइन में ये चेक वाल के यहाँ से ये जो चेक वाल है यहाँ से ऊपर जो ये लाइन है इसका प्रेशर 105 है, और इसका जो है आप लोग देख सकते हैं कितना है 75 है, तो 70 के आसपास है, 75 नहीं है 70 है। तो ये क्या हो रहा है, अभी ये क्लोज रहेगा, क्योंकि ऊपर प्रेशर ज़्यादा है और नीचे का प्रेशर कम है। जब इधर का प्रेशर कम होगा तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन होगा। तो अभी क्या है कि प्रेशर ज़्यादा है इसके लिए ये अभी क्लोज है, तो इसका यही काम है। यहाँ पे हाइट पे आप लोग देख सकते हैं ये पानी जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो हाइट पे प्रेशर इसका क्या है होल्ड करके रखा है। अगर नीचे का प्रेशर कम रहेगा तभी ये क्या हो जाएगा, जीरो भी हो जाएगा। अगर ये जो गेज है इसका प्रेशर जीरो भी हो जाएगा तो ये इतना रहेगा, क्योंकि ये जो है फ्लो पानी को रिटर्न नहीं आने देगा, तो इसके लिए यूज किया जाए। यहाँ पे है, यहाँ पे NRV क्यों यूज किया जा रहा है आप लोग देख सकते हैं, ये जो है बिल्डिंग में अलग अलग जगह पे जा रहा है फायर सिस्टम के लिए। तो अगर मान लीजिए कि ये जो लाइन है किसी कारण से इसमें क्या होता है कि प्रेशर कम हो जाता है, तो प्रेशर कम हो जाता है तो क्या होगा, ये ऊपर का भी प्रेशर कम हो जाएगा। नहीं जो है इसमें प्रेशर अभी होल्ड करके रखा हुआ है, तो इसके लिए यूज किया जा रहा है कि इसमें जो है ये पूरा जो फायर वाटर स्प्रिंकलर है उसमें जो प्रेशर है हमेशा क्या है मेंटेन रहे। अगर मान लीजिए किसी कारण से इधर का कुछ लीकेज वगैरह कुछ हो जाता है तो इधर कुछ इशू होगा तो क्या होगा, ऊपर का प्रेशर बना रहेगा, कम नहीं होगा। इसके लिए यहाँ पे यूज किया जाता है कि ये जो है इधर का प्रेशर ड्रॉप ना हो, कम ना हो, नहीं तो अगर प्रेशर ड्रॉप होगा तो स्प्रिंकलर का जो लाइन है फिर से उसको क्या करना पड़ेगा, प्रेशराइज करना पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रोसेस होगा। तो इसके लिए यहाँ पे NRV लगा हुआ है। कहीं कहीं पे क्या होता है, जैसे आप लोग देख सकते हैं ये पंप है, आप लोग देख सकते हैं इसका डिस्चार्ज है, एक जो है इसमें डिस्चार्ज लाइन में लगा रहता है। ज़्यादातर आप लोग को पंप का डिस्चार्ज लाइन में लगा रहेगा, क्योंकि यहाँ से पानी जो डिस्चार्ज होगा मान लीजिए ये ऊपर जाएगा, तो कभी किसी कारण से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दो पंप है, तो इसमें भी लगा हुआ है अंदर जो है ये पाइप जो है इसमें लगा हुआ है। तो अगर मान लीजिए कि ये जब दो है, एक चलता है एक बंद रहता है, जब एक बंद होगा तो दूसरा चालू होगा, तो चाहे किसी भी कारण से मान लीजिए बंद होगा या किसी भी कारण से क्या होता है एक बंद होता है तो ये जो है पानी आप लोग देख सकते हैं हाइट पर जा रहा है। तो क्या होगा, अगर इसमें NRV नहीं लगा रहेगा तो पानी रिटर्न वापस आएगा, तो वापस हो आएगा तो आप लोग देख सकते हैं ये जो पंप है इसका इंपेलर डैमेज हो जाएगा। तो उसके भी प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है NRV लगा रहता है। NRV का मेन काम क्या होता है कि पानी रिटर्न नहीं आए। मान लीजिए ये जो पानी है ऊपर जा रहा है, अभी पंप बंद होगा तो क्या हो जाएगा, पानी ऊपर से एक ही बार प्रेशर से नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो इंपेलर के डायरेक्ट जो फिन्स वगैरह रहेगा उस पर पड़ेगा तो क्या हो जाएगा डैमेज हो जाएगा। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए भी ये क्या होता है NRV लगा रहता है। अलग अलग इसका पर्पज़ होता है, अलग अलग टाइप का NRV होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक और छोटा सा NRV आप लोग देख सकते हैं, नॉन रिटर्निंग वाल है, तो ये भी है सेम, आपको लोग देख सकते हैं इसमें भी सेम वही चीज़ है। आप लोग देख सकते हैं ये जो है एरो इधर दिया है, कोई भी NRV होगा उस पर एरो जरूर रहेगा। आप लोग देख सकते हैं ये एरो इधर दिया है, यानी इधर से फॉलो जाएगा। जैसे हम लोग देखेंगे, आप लोग देख सकते हैं ये जो है हम लोग कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है उधर जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है नॉर्मली ऐसे क्लोज रहता है, तो पानी जब इधर से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हटेगा, ये ओपन होगा, और जैसे पानी का प्रेशर कम होगा तो ये क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये भी सेम आप लोग देख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, सेम वही प्रोसेस है, एक डिस्क लगा हुआ है, दोनों सेम है, ये छोटा है वो बड़ा है। तो NRV आप लोग को पता चला होगा कि कितना आसानी से आप लोग देख के समझ सकते हैं, क्योंकि उस पर एक एरो रहता है और इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं रहता है। आप लोग देख सकते हैं कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, इसमें भी कुछ मूविंग पार्ट नहीं है, कुछ वाल जैसा नहीं रहता है क्लोज ओपन करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आज आप लोग को पता चला होगा कि NRV क्या होता है और कैसे काम करता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप